मैं अमित्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्र बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने कुंडली को कहीं दिखाने के लिए ले जा रहे हैं या फिर अचानक आपके गली या मोहल्लों में अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई हम कुंडली के अच्छे जानकार हैं, या पीछे फिर कुछ औघड़ या कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ से आए हैं, किसी प्रसिद्ध स्थान का नाम बताते हैं और फिर आपका भविष्य बताना प्रारंभ करते हैं। उनमें से अधिकांशतः आपको ठगने की व्यवस्था का कार्य करते हैं और कुछ होते हैं जो सटीक बताते हैं। मान लीजिए आपको अपने कुंडली का अध्ययन करना हो या करवाना हो, या आपके भविष्य में क्या घटना घटित हो रही है वो अगर जानना हो, तो आप अगर किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो कुंडली देखते हुए सबसे पहले आपके भविष्य के बारे में वो बताना प्रारंभ करते हैं। अब यहीं पर आप धोखे के शिकार हो जाते हैं। भविष्य किसने देखा? एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर को नहीं मालूम होता है। मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच हो रहा हो और ज्योतिष को कहा जाए कि आप प्रिडिक्शन करें और दोनों टीम तगड़ी हो, तो वो जब प्रिडिक्शन करेंगे तो वहां पर हो सकता है ये शब्द लगा देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि फलाना टीम 100% जीतेगी। तो ऐसे ज्योतिष से आप सतर्क रहें। तो जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो आप भविष्य की अपेक्षा आप अपने उनसे बोलिए कि हमारे भूतकाल में जो घटना घटित हो गई है, जो चीजें बीत गई हैं, कृपया उनके बारे में बताएं। और उनमें से उनसे कहे कि आप 8 से 10 चीज के बारे में न बोलें, जैसे मानसिक तनाव सबको होता है, पैसों की कमी सबको होती है, सास बहू आदि का झगड़ा सबके घर में लगभग लगभग होता ही है, बच्चे अच्छे तरह से पढ़ नहीं रहे हैं होता है, रात को नींद नहीं आती है, यानी ये सब नॉर्मल चीजें जो है उनसे ये न कहें। उनसे ये कहें कि कुछ ऐसा बताएं जो हमारे जिंदगी में ही हुआ हो, यूनिक हो। जैसे उनसे कहे कि भाई जब मैं 10वीं में था तो कितने नंबर आए। अगर वो लगभग लगभग बता देते हैं, हमारी जो शादी है, अगर कोई व्यक्ति 40-50 साल का है तो उनसे कहें जो कुंडली अपना दिखा रहा है कि भाई बताइए कि मेरी शादी किस सन में हुई, तो लगभग लगभग अगर अच्छे जानकार हैं तो बता देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि अगर जो वो हमारे भूत को अगर बता देते हैं, जो पास्ट को बता देते हैं, तो वो फ्यूचर को भी बता सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे कुंडली के जो जानकार होते, मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहे हो, ठीक है, तो अगर एक जो मार्गदर्शक है, अगर दिल्ली से वो मुंबई की ओर गया है तो उसको मालूम है कि कौन से जगह पे कौन कौन सा स्थान आ रहा है, कहाँ रोड गड़बड़ है, कहाँ क्या है। तो उसी तरह ज्योतिष होता है। ज्योतिष में जो एस्ट्रोलॉजर है विभिन्न प्रकार के ग्रहों का अध्ययन कर लेते हैं, विभिन्न प्रकार के जो घर है उनके कार्यों का अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद उनको ये मालूम चल जाता है कि हर घर ग्रह का अपना स्वभाव होता है और जिस जिस घर में वो ग्रह घूमेगा जाएगा, तो मान लीजिए कुंडली में 12 घर होते हैं तो उन 12 ग्रह के अलग अलग स्वभाव हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की 12 राशियां होती हैं, तो वो घर और जो उस घर के अंतर्गत जो राशि आती है उनके अपने अपने स्वभाव होते हैं और ग्रहों के भी अपने स्वभाव होते हैं। तो जो वो ग्रह उस घर और राशि में जाएगा तो उस घर और अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा। तो ज्योतिष में कुछ नहीं है, बस इसी चीज का अध्ययन अच्छे एस्ट्रोलॉजर करते हैं और आपको जो आप प्रश्न करते हैं उसकी जानकारी वे देते हैं।
तो आप सतर्क हो जाएं, किसी भी अगर ज्योतिष के पास आप जाते हैं तो पहले भूत को जानने की कोशिश कीजिए, जिसमें जो सामान्य चीज़ें जो मैंने बताया हूं उनसे कहीं ये मत बताइए, आप ऐसा बताइए कि जो हमारे लाइफ में यूनिक हो, जो हमें ही मालूम है। अगर वो चीज़ बता लेते हैं तो आपका भविष्य भी बता देंगे, और इससे पता चल जाएगा कि जो इस एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हैं उनका ज्ञान सामान्य है या वो आपको ठगने का धंधा किए हैं या फिर अच्छे जानकार हैं। बस इससे सतर्क रहें और इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।